वेलकम टू माय चैनल। ये डिज़ाइन को किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, ये वाला जो फ्लावर है, तो इस मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो है। तो आप लोग जब बिगनर्स क्लास डे टू या डे थ्री वाली वीडियो में मेरे जाएंगे ना, तो आप लोग को वहाँ पे मैं एकदम इजी मेथड से ये वाला फ्लावर को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे ना मैं बताई हूँ। तो इसलिए ये वाली वीडियो में मैं डायरेक्ट इसको कलर करके बताई हूँ। और आज की वीडियो आप लोग देखना, मतलब मैं ऑरेंज कलर के जो चार शेड्स हैं लाइट डार्क, उसका अलग अलग नाम भी बताई हूँ ये वाली वीडियो में। और ना सबसे पहले मैं ये मेरा 4 नंबर का फ्लैट ब्रश है कैमलिन कंपनी का। तो मैं जो ये लीव बनाई हूँ ना, तो इसके बीच में जो जहाँ जहाँ देखिए ये जो जगह दिख रही है ना, तो यहाँ पे मैं ये वाला जो ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, इसका नाम है सैप ग्रीन कलर, SAP सैप ग्रीन कलर। तो सबसे पहले देखिए मैं वो पूरा यहाँ पे फिल कर लूँगी। ये देखिए ग्रीन कलर जब कंप्लीट हो गया है, तो अब ये जो किनारा जो आता है ना, मतलब जो साइड में होता है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ के हम लोग को लाइट डार्क थोड़ा दिखाना रहता है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले वहाँ पे थोड़ा मैं कलर लूँगी और देखिए ब्रश में पानी लूँगी और पानी लेने के बाद फिर डायरेक्ट कपड़े पे मतलब वहाँ पे लगा दूँगी। तो वो कलर जब पानी ज़्यादा रहता है ना, तो वो कलर थोड़ा सा कैसा फैलता है, स्प्रेड होता है। जब वो फैलेगा ना, तो वो हल्का सा खुद लाइट डार्क हो जाएगा, तो वो हार्श लाइन नहीं रहेगी, मतलब जैसे किनारा बाउंड्री जैसे नहीं रहेगी, तो वो एक लाइट डार्क जैसा हो जाएगा। तो वो चीज़ ऐसा इस तरीके से किनारे रहना चाहिए। अच्छा, तो मुझसे ना ये फ्लैट ब्रश से ना वो अच्छे से फैलता नहीं, तो मैं इस तरीके का जो डोम शेप का ये नॉर्मल सादा सा मेकअप वाला ब्रश है, तो उसी से लेके मैं उसको अच्छे से फैला देती हूँ, तो बहुत अच्छे से वो लाइट डार्क होके फैल जाता है। तो बस इसी तरीके से देखिए किनारे का लेंगे, और जब ये कलर फौरन लगाने के बाद में फ़ौरन से ही मतलब एकदम गीला रहेगा तो ही ये चीज़ फैलेगी। अगर ये सूख जाएगा ना, तो वो फिर लाइन बन जाती है, फिर वो लाइन जल्दी सही नहीं होती है। देखिए इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैं वापस से देखिए उसको थोड़ा सा कलर फिर वापस लगा के फिर उसको लाइट डार्क करी। तो बस इस तरीके से हम लोग किनारे जितना भी मेरी ये पूरी जो डिज़ाइन मैं बनाई हूँ, इसके किनारे मैं इस तरीके से रखूँगी। और अगर ये थोड़ा सा देखिए लीफ के ऊपर फैल के जा रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो जब हम लोग लीफ को कलर करेंगे ना, तो वो ऑलरेडी उसमें कवर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं अपनी जितनी ये मेरी किनारे जो है अपनी डिज़ाइन के जो सारे साइड की जो वो है बाउंड्री है, उसके किनारे मैं इस तरीके से कर लूँगी। तो ये सूखने के बाद जब डिज़ाइन पूरी कंप्लीट होगी ना, तो वो नॉर्मल लगता है, अभी ऐसा लगेगा कि एकदम फैल गया है, फिर वो सही हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से मैं ये चीज़ करी हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो अगर वाकई में कोई सीखना चाहता है, मीन्स जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड है, तो वीडियो पूरी देखना, तो मैं एक एक छोटा छोटा पॉइंट अपने हिसाब से पूरा डिटेल में अपनी वीडियो में बता देती हूँ। तो किस तरीके से क्या किसे ब्रश हम लोग को स्ट्रेट चलाना, फ्लैट चलाना है, सब बताती रहती हूँ मैं बीच बीच में। और अच्छा, ये देखिए दोनों में डिफरेंस है, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि वो दोनों कलर सेम है, मैं इसके लिए डिफरेंस दिखा दी हूँ। वो एक ऑलिव ग्रीन है जो मैं अभी जस्ट लगा रही हूँ, वो ऑलिव ग्रीन है, और वो जो नीचे बेस पे करी हूँ वो सैप ग्रीन है। तो मैं इसलिए ऐसा की हूँ ना कि मतलब वो कैसा लाइट डार्क बराबर से दिखाई दे। अगर हम लोग एक जैसा कलर अपनी पत्ती में भी उसमें भी कर देंगे, तो वो फिर लीफ दिखाई नहीं देगी डिज़ाइन में, इसलिए थोड़ा सा एक शेड लाइट डार्क रखना, तो उससे कैसा थोड़ा सा वो लीफ उभर के दिखेगी और नीचे का बेस पूरा डार्क दिखेगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं देखिए इस वाली लीफ में ना वाइट कलर पहले पूरा फिल कर ली, फिर उसके बाद में ये सैप ग्रीन कलर ब्रश के पूरे नीचे के हिस्से में ले रही हूँ। हाँ, मतलब कॉर्नर पे सिर्फ नहीं ले रही हूँ, सिर्फ ब्रश के पूरे नीचे के हिस्से में ले रही हूँ, और लेके फिर उसके ऊपर देखिए लगा के फिर उसको फैला रही हूँ। अच्छा, जो मैं अपनी तरफ इस तरीके से ब्रश लेके जा रही हूँ ना, तो वो मैं कपड़े से ना ब्रश को क्लीन कर रही हूँ, पोंछ रही हूँ, तो इसलिए ऐसा लगेगा कि साइड में मैं ऐसे देखिए ये बार बार ऐसे कर रही हूँ, वो मैं ब्रश को ना क्लीन कर रही थी। कपड़े से पोंछ पोंछ के हम लोग करेंगे ना, तो वो शेडिंग बहुत सॉफ्ट आएगी, उससे क्या है ना वो मतलब जो एक्स्ट्रा कलर है वो हम लोग साफ़ कर लेते हैं ना ब्रश में, तो उससे ना हमारी जो शेड होती है ना वो बहुत अच्छी आती है, मतलब एकदम लाइट डार्क अच्छे से बन जाती है, कोई भी देखिए लाइन जैसा नहीं रह जाता है, एकदम अच्छे से वो एक दूसरे में ब्लेंड हो जाता है कलर लाइट डार्क। अच्छा, उस वाली लीफ में मैं पूरा वाइट करके करी, और इस वाली लीफ में देखिए मैं पहले ग्रीन कलर लगा ली, ऑलिव ग्रीन, और फिर उसके बाद उसको वाइट कलर से लगा के लीफ में जो भी आधी है, मतलब एक पूरी पतली सी मैं लीफ बनाई, उसके जो हाफ साइड है उसको मैं इसी तरीके से कर रही हूँ।
और हाफ साइड में फिर ग्रीन लगा के, मतलब बेसिकली हम लोग को क्या करना है ना, पूरी लीफ में एक जैसा नहीं रखना, आधी लीफ में अलग आधा अलग, तो उससे देखिए प्रॉपर वो लीफ का एक पूरा शेप दिखाई देता है कि वो बीच में से वो लीफ टर्न हुई है। ये देखिए ये जो सेंटर होता है ना उसको हम लोग को हाईलाइट करना पड़ता है, उससे फिर वो बराबर से दिखाई देता है कि ये लीफ हाफ वहाँ से आधी है वहाँ से आधी है। चाहे हम कितनी भी पतली से पतली लीफ बना दें उसमें हमको वो चीज़ दिखाना दिखाएंगे हम अपनी पेंटिंग में तो बहुत अच्छा लगेगा। अब पूरा एक जैसा कर देंगे तो वो एकदम बोलते ना वो एकदम फ्लैट लुक आ जाता है, मीन्स कुछ उसमें रियल जैसा लुक नहीं आता है। तो बस इसी तरीके से देखिए मैं अपनी लीफ पूरी कंप्लीट कर रही हूँ लाइट डार्क। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं अपनी ये जो लीव है ना, ऐसा कुछ ये नहीं है कि बस आपको सब एक तरफ लाइट करना है एक तरफ डार्क करना है या नीचे डार्क करना लाइट करना है, बस अपनी समझ से कहीं लाइट कहीं डार्क इस तरीके से करें। और जो जो दोनों लीव अगर बाजू बाजू में आ रही है तो वो दोनों के बीच में डिफ्रेंस दिखाने के लिए, मतलब दोनों कलर एक जैसा नहीं रखना, जैसे कैसे दो चीज़ साइड साइड में कलर, मतलब लाइट और डार्क, लाइट डार्क इस तरीके से रखना तो वो प्रॉपर से दिखाई देता है। अगर आप लोगों को मेरा ये मीन समझ नहीं आ रहा है, जो न्यू अगर कोई लोग ज्वाइंट हुए हैं तो मेरी पुरानी वीडियो में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं इस तरीके से बताती हूँ डिटेल में, और भी वीडियो में दिखाई तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे ग्रीन डार्क कलर लगा के अब इसको वाइट से फिर पूरा उसको शेड को प्रॉपर से फैला दूँगी, पूरा लाइट डार्क कर दूँगी मैं। तो इसी तरीके से हम लोग अपनी ये लीफ पूरी कंप्लीट करेंगे। अच्छा ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ना, ये 1 नंबर का कैमलिन कंपनी का फ्लैट ब्रश है, मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ। मैं अपनी काफ़ी मतलब मेरी पहले की वीडियो है तो आप लोग जाएंगे ना बेस्ट ब्रश करके है या ब्रश से रिलेटेड थंबनेल पे नाम है तो आप लोग उसमें चेक करेंगे ना, तो उसमें वो वाली वीडियो में मैं अपने लिंक डाल चुकी हूँ ये वाले ब्रश का। बहुत अच्छा ब्रश है फैब्रिक पेंटिंग के लिए, तो ये ब्रश एकदम बेस्ट है। तो अगर आप लोग कोई बिगनर्स हैं लेना चाहते हैं ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग मेरी वाली वीडियो पे चेक कर लेना, तो उसमें आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। और अच्छा ये मैं ब्रश ना यूज़ करते करते कैसा मेरा ब्रश ना काफ़ी, मतलब मैं लास्ट में दिखाई हूँ, मतलब मेरा ब्रश का कैसे ब्रिसल्स काफ़ी मतलब बिखर गया है, तो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझको ये एजेस, मतलब आउटलाइन थोड़ा मेरी क्लीन नहीं बन रही थी, मेरा ना ये जो ब्रश का जो ब्रिसल्स है ना काफ़ी बिखर गया था। तो अब मैं बहुत दिन बाद पेंटिंग करने बैठी थी तो मैं मुझे याद नहीं था मंगाने का, तो इसलिए बहुत मुश्किल से मैं ये पेंटिंग अपनी कंप्लीट कर पाई हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं अपना पूरा लाइट डार्क करके देखिए ये मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा मैं इसमें ना ये 0 नंबर के ब्रश से ना सेम यही वाला जो डार्क कलर से कहीं कहीं आउटलाइन कर रही हूँ, जैसे अभी वाइट कलर कर रही हूँ ना कहीं कहीं उसी तरीके से ग्रीन भी कर रही हूँ, बट वो ग्रीन वाला मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो देखिए इसी तरीके से रैंडमली इधर उधर कहीं भी थोड़ा बहुत हम लोग ऐसा वाइट थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, जैसे कहीं कहीं डार्क ग्रीन कलर को ऑलिव ग्रीन कलर को हम लोग हाईलाइट करेंगे और कहीं कहीं ये वाइट, जहाँ जहाँ मतलब आप लोगों को कैसा लगे कि लाइन समझ नहीं आ रही है वो ग्रीन नीचे जो बेस का जो ग्रीन है उससे कैसा मिल रहा है, तो इस तरीके से करके हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, तो उससे थोड़ी पत्ती उभर के दिखेगी। मेरा एजेस क्लीन नहीं था तो इसलिए भी मैं ये चीज़ इसमें करी हूँ। अच्छा तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ऑरेंज कलर्स के नेम। तो ये देखिए 4 टाइप के ऑरेंज कलर होते हैं, तो एक होता है मेन ऑरेंज कलर, ये देखिए ये जो है एकदम ऑरेंज कलर जो रहता है वो, और ये देखिए ऑरेंज जैसा काफ़ी है बट इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा ये वाला जो कलर है ना देखिए वर्मिलियन करके इसका नाम है, ये थोड़ा सबसे डार्क शेड है ऑरेंज कलर का। और इसके बाद एक और जो कलर था ऑरेंज वाला, मैं यहाँ पे ना पिक साइड में लगा देती हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा कलर्स के नेम। मैं जो अभी लगा रही हूँ ये एकदम ऑरेंज कलर है, जो सिर्फ ऑरेंज नाम आता है लिख के वो है, और एक जो मैं येलो ली हूँ ये गोल्डन येलो है, और एक ये वाइट है, और एक वो वाला जो कलर जो सबसे डार्क है ना वो वर्मिलियन करके उसका नाम है। ये सब मतलब ये चारों ऑरेंज के शेड हैं। तो हम लोग है ना मतलब जैसे हम लोग जब अपनी फ्लावर में जितना लाइट डार्क कलर शेड यूज़ करते हैं ना उतना ज़्यादा नेचुरल लगता है, जैसे एक ही फैमिली के कलर। अब ये लाइट डार्क का मतलब है कि ये नहीं कि ज़्यादा कलर का मतलब है कि कहीं पर्पल लगा दें ब्लू लगा दें, ये नहीं, मीन्स एक ही फैमिली के जो कलर होते हैं ना वो यूज़ करें तो अच्छा लगता है। जैसे अभी येल्लो हो गया, लाइट की जगह मैंने येल्लो को पिक कर ली और उससे थोड़ा एक ऑरेंज कर ली, फिर उसके बाद एक
और ज़्यादा डार्क ऑरेंज कलर कर ली, तो इस तरीके से थोड़ा मिलता जुलता कलर करके हम लोग ज़्यादा शेड थोड़ा यूज़ करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा नेचुरल जैसे और डिज़ाइन लगती है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये लीफ के ना किनारे सबसे पहले ऑरेंज कलर लगाऊँ, मीन्स दोनों तरफ ऊपर और नीचे हर एक पेटल्स में मैं यही चीज़ की हूँ, और फिर उसके बाद उसको नीचे गोल्डन येलो कलर से थोड़ा सा शेड मिक्स की हूँ, फिर उसके बाद देखिए सेंटर में मैं वाइट कलर लगा रही हूँ। बस यही चीज़ मैं हर अपनी लीव में फॉलो की हूँ। अच्छा, इसको मैं देखिए मिक्स किस तरीके से कर रही हूँ, आप ये चीज़ आप लोग ये चीज़ पे मेरे ब्रश पे ध्यान देना, ब्रश को मैं स्प्रेड करके उसको बस ऊपर नीचे करके उसको मिक्स कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं ला रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जा रही हूँ, हल्का हल्का बस दोनों को एक दूसरे में देखिए मिक्स करना है, और ब्रश को बार बार मैं देखिए क्लीन कर रही हूँ, और दोनों वाइट के देखिए सेंटर में मैं हल्का सा कलर लगाई हूँ, ऑरेंज लगा दी हूँ। वो क्यों? क्योंकि अगर वो मैं दोनों कर दूँगी तो वो कैसा वो फ्लावर वहाँ से कैसा टर्न हुआ दिखता है, तो इसलिए वो देखिए ये जो सेंटर है ना ये करना ज़रूरी है, वो मतलब वो ऐसा लगता है कि वो फ्लावर हमारा वहाँ से घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है, पेटल्स एक बोलते हैं ना एक पेटल्स कर्व शेप में है, घूमी हुई राउंड है, तो वो इसके लिए है। और वो चीज़ वो जो सेंटर है ना वो कभी भी स्ट्रेट मत रखना, कैसा हल्का सा उसकी लाइन कैसे सी जैसा करना, कर्व जैसा, तो उससे प्रॉपर हमारी एक डिज़ाइन में 3D लुक आ जाता है। देखिए अब ये कलर जब मैं मिक्स कर ली उसके बाद मैं किनारे किनारे हल्का सा देखिए वो डार्क कलर जो वर्मिलियन कलर है उसको मैं वापस से लेके जा रही हूँ, मतलब हल्का हल्का किनारे और शेड लगा देती हूँ तो उससे अच्छा और ज़्यादा लुक आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वाइट कलर सूखने के बाद में कैसा थोड़ा लाइट जैसा लग रहा था तो मैं उसको वापस से थोड़ा सा हाईलाइट कर दी, तो इस तरीके से देखिए ये एक पेटल्स कंप्लीट हो गई है। अब ये वाली नेक्स्ट जो फ्लावर की जो मेरी पेटल्स है, अच्छा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा फ्लावर है, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल अपनी वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मुझे प्लीज़ आप लोग को कमेंट में बताना कि ये कौन सा फ्लावर है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे भी हम लोग नेक्स्ट पेटल्स में भी यही चीज़ करेंगे। अच्छा, ये मैं ना भूल करके गोल्डन येलो कलर पहले नीचे लगा दी थी, तो बस ऊपर देखिए ऑरेंज कलर लगाए, अब नीचे साइड भी ऑरेंज कलर लगाएंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर दोनों साइड में गोल्डन येलो कलर लगा के मिक्स करेंगे, फिर बीच में हम लोग वाइट लगाएंगे, यही चीज़ है। तो आप इस तरीके से करने के बाद और जो बीच की एकदम सेंटर की जो लाइन है उसमें हल्का सा एक बार ऑरेंज आप लोग दिखा देना कर्व शेप, यही इतना इस ये मतलब डिज़ाइन के फ्लावर में स्टेप है। और एक और चीज़ है मैं अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगी क्या चीज़ है, और आप लोग ये फ्लावर में नोट करना, वो चीज़ ज़रूरी है, मैं अभी दिखाऊंगी जब मैं कलर करूंगी वहाँ पे तब। तो बस यही इतना है, देखिए अब मैं सेंटर ये चीज़ दिखा रही हूँ, ये चीज़ यही जो लाइन मैं बता रही हूँ ना इसको हमेशा कर्व करके करना। अब ब्रश को बस दोनों कलर लगाना, और जब दोनों कलर लगाने के बाद में उसके जो मेन जो लाइन होती है लाइट डार्क उसको अच्छे से वहीं पे बस हल्का हल्का सा अपना हाथ रब कर देना, कैसे वो लाइट डार्क आ जाता है। अच्छा देखिए ये जो मैं अभी यहाँ पे जो ऑरेंज कलर सॉरी ये गोल्डन येलो लगाई हूँ ना किनारे, यही चीज़ आप लोग ध्यान देना कि वो पेटल्स में वहाँ पे थोड़ा सा लगा देना कलर, तो उससे क्या वो दिखाई देगा ना वो एक अलग पेटल्स है, अगर हम लोग बस उसी तरीके से छोड़ देंगे तो वो पता नहीं चलेगी कि वो अलग एक पेटल्स है ना, वो एकदम मिक्स हो जाएगा फर्स्ट वो वाली जो बाजू वाली पेटल्स है, तो उसको दिखाने के लिए अलग अलग हम लोग को किनारे फिर थोड़ा सा और एक कलर लगाना ज़रूरी है। तो मैं येलो कलर गोल्डन येलो कलर लगा दी और इस तरीके से क्लीन करके करेंगे। अच्छा ये मेरा फ्लावर ना काफ़ी बड़ा है, मीन्स 6 इंच का मेरा फ्लावर है ये जो मैं है मेरा फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे मैं वाइट कलर लगा के फिर उसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा अब यहाँ पे देखिए मैं वापस से थोड़ा सा वो डार्क कलर मैं लगा के उसको सही कर दी, तो ये देखिए 3 पेटल्स एकदम अच्छे से कम्प्लीट हो गई है। तो इसी तरीके से अब ये वाली भी करेंगे, पहले हम लोग ऑरेंज लगाएंगे, और अगर आप लोग ना एकदम बिगनर्स हो, अगर आप लोग से मान लो ये चीज़ नहीं बन रही है तो क्या करना ना, पहले सादी एकदम हल्की सी एक पत्ती ड्रॉ कर लेना एक अलग से रफ, फिर उसके बाद आप लोग ना पहले नीचे नीचे ऑरेंज लगाना या कोई भी कलर लगाना, समझ लो मान लो अगर मरून लगाए फिर उसके बाद में रेड लगा लेना, या समझ लो रेड लगाए फिर उसके बाद पिंक कलर लगा देना
फिर उसको मिक्स करना, फिर सेंटर में वाइट लगा देना और जो एकदम डार्क शेड है फिर हल्का सा मरून से उसके ऊपर टच मतलब बोल तो किनारे किनारे और लगा देना। मीन्स आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर जब आप लोगों को शेडिंग को किस तरीके से मिक्स करना आ जाएगा तो फिर आप लोग अपना ये वाला फ्लावर में भी इस तरीके से करके कर सकते हैं। अच्छा ये वाला जो फ्लावर है ना, मैं अभी दो बताई हूँ ना, आप लोग ना अपनी जैसे बेडशीट के जो नीचे का हिस्सा होता है, जो जिस तरफ जैसे हम लोग अपनी बेडशीट बिछाते हैं, जिस तरफ पिलो रखते हैं उस तरफ नहीं, उसके जो अपोजिट साइड होती है नीचे के साइड, ये वाला जो फ्लावर है ना दो एकदम बड़ा बड़ा, तो हम लोग दो नहीं चार या छः मीन्स ऐसे अपना अपना बेड के नीचे के साइड में बनाएंगे ना तो वो बहुत अच्छा लगेगा। मीन्स वो फ्लावर सिर्फ एक तरफ, पूरा चारों तरफ नहीं मैं बता रही हूँ, सिर्फ एक साइड में। तो हम लोग जब अपना ना जैसे बोल वो हॉरिजॉन्टल बैठ के अपने जो हॉरिजॉन्टल साइड में अगर हम लोग बनाएंगे ना सिर्फ एक साइड में तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पे ना मेरा क्या हो रहा था ना, ये कलर मेरा सूख गया था, मैं उठ के चली गई तो वो कलर एकदम सूख गया, तो उसको मुझे ना ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये जब कलर आप लोगों का गीला रहे ना तभी करना और एकदम अच्छे से। अच्छा ब्रश को ना मैं कब धो रही हूँ, जब वॉश कर रही हूँ, जब वाइट कलर लगा रही हूँ ना सिर्फ तभी मैं ब्रश को अपने वॉश कर रही हूँ, और ना नहीं तो मैं ऑरेंज और वो सब एक ही उससे पूरे ब्रश से उस एक ही उससे कर रही हूँ। मीन्स ब्रश को सिर्फ पोंछ के कर रही हूँ, उसको मैं वॉश नहीं कर रही हूँ। बस इसी तरीके से बस ये जो मिक्स है ना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना हम लोग को कि वो अच्छे से प्रॉपर एक दूसरे में मिक्स कर दें, हल्का हल्का हाथ चलाना। तो इजी डिज़ाइन है, बहुत इजी है, बस इसी चीज़ को आप लोग फॉलो करना। और जब कर लेंगे आप लोग सब अपनी पेटल्स को तो देखना वो अगर बाजू बाजू में एक जैसा कलर नहीं आया तो उसके किनारे तो डार्क कलर लगा देना। मैं भी जहाँ पे लगाई हूँ मैं आप लोगों को दिखा बता दूँगी, तो कमेंट में बताना आप लोगों को इजी लगा कि नहीं लगा। देखिए बस इसी तरीके से मिक्स मैं करते जा रही हूँ। अच्छा जब तक नहीं होगा ना करते जाना, और मैं वापस से जब एक बार ये पूरा फ्लावर थोड़ा सा मतलब हल्का सा 80 या 70% जब ये फ्लावर मेरा ड्राई हो गया ना सूख गया तो मैं वापस से ना वाइट वाले को ना वापस से थोड़ा सा हाईलाइट कर दी। देखिए ये फिर वहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर थोड़ा हल्का हल्का सा मैं शेड दे दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा सा मैं डार्क कलर लगा दूंगी इस तरीके से। देखिए ये चारों पेटल्स कंप्लीट हो गए। ये अब मैं सिर्फ एक सेंटर वाली पेटल्स दिखा देंगी आपको, तो इसमें भी इस तरीके से सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे, ऊपर दोनों साइड में ऑरेंज और वो। अच्छा ये जो फ्लावर के ना एकदम सेंटर में मैं ना वो वाला कलर लगाई थी, ये जो फ्लावर के भी बीच का जो होता है एकदम सेंटर जो बारीक बारीक जो रेशे होती हैं उसमें, मैं शायद उसको पराग बोलते हैं, उसमें मैं कौन सा कलर लगाई हूँ, एकदम डार्क ब्राउन कलर है वो वाला कलर, बस हल्का सा मैं लगा के फ्लावर का सेंटर का मैं कर ली। वो चीज़ ना मैं जब वीडियो एडिट वगैरह कर रही थी तो मुझसे डिलीट हो गया। देखिए इसी तरीके से हम लोग उसको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हल्का हल्का जो मैं मिक्स की हूँ ना शेडिंग के साथ, ड्राई शेड में की हूँ, कम्प्लीटली वेट शेड नहीं करी हूँ मैं। देखिए ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ कैसा ब्रश को स्ट्रेट करके चला रही हूँ मैं। ये देखिए अब ये थोड़ा सा किनारे किनारे हल्का सा वहाँ पे मैं कलर उसको लेकर आ जाऊँगी। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, बहुत इजी है ये वाली जो डिज़ाइन है, मींस इस तरीके से शेड करना बहुत इजी है। अब वाइट कलर को मैं सेम लगा के उसको भी अच्छे से वहीं पे ब्लेंड कर दूंगी, और ये देखिए जिस तरीके से मतलब हल्का हल्का शेप है ना वाइट का कर्व जैसा ही है, मतलब मेरा कैसे एकदम सीधा सीधा नहीं, हल्का से जिस तरफ से मतलब मेरी पेटल्स झुकी हुई है मैं उस तरफ से ही शेडिंग वगैरह देती हूँ, उस साइड में करती हूँ, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं चलाना। जिस तरफ से हमारी पत्ती का जैसा शेप होता है ना तो जब भी हम लोग उसमें कलर लगाएं ना तो उस डायरेक्शन में ही लगाएं एकदम, तो वो कैसा वो पता चलता है प्रॉपर से कि वहाँ से वो पेटल्स मुड़ी हुई है, एकदम स्ट्रेट वगैरह नहीं चलाने। देखिए इस तरीके से किनारे हम लोग उसको
कलर लगा के सही कर देंगे, मीन्स वहाँ पे भी थोड़ा सा लगा देंगे डार्क कलर। देखिए अभी मैं वापस से ना ये वाला वाइट वाइट कलर लगा के थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हाईलाइट कर रही हूँ। इजी है बट ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाने में, कलर मिक्स करने में थोड़ा सा, इसमें शेडिंग प्रॉपर होना चाहिए इसलिए थोड़ा सा ना टाइम लग रहा है इसको बनाने में। और ना मुझे एक कमेंट आया था कि मीन्स पहले का मेरा एक वीडियो था तो वो मैं येलो कलर से करके बताई थी, तो इंशाल्लाह ना मैं नेक्स्ट उसमें एक कमेंट आया था कि प्लीज़ ये वाला जो फ्लावर है ना उसको दूसरे कलर से कलर करके बताएं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वही फ्लावर को कलर करके बताऊँगी दूसरे कलर से। देखिए इस तरीके से बस इसको हम लोग वापस से थोड़ा वाइट रिपीट कर देंगे। ये देखिए पूरी कंप्लीट, मतलब एक फ्लावर मेरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा अब ये जो थोड़ा थोड़ा ना इसकी भी लाइन ना, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे रेड कलर लगा के हल्का हल्का सा इसको आउटलाइन कर रही हूँ। एकदम शार्प मतलब एकदम क्लीन आउटलाइन नहीं कर रही हूँ कि सर रैंडमली हम लोग जो हल्का हल्का चलाते हैं, तो 0 नंबर के ब्रश से कर रही हूँ। तो आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।